जय माता की। स्वागत है आपका कुकिंग विद ममता बिश्नोई के चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की स्वादिष्ट सब्जी। तो उसके लिए मैंने कटहल धो करके साफ़ कर लिया, काट लिया है, और ये तेल गरम कर लिया। इसमें तेज पत्ता डाल लेंगे और एक चम्मच जीरा डालेंगे। ये अदरक है बारीक कटा हुआ। एक डेढ़ चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें। ये हरी मिर्च कटी हुई बारीक। धीमी आंच पर भून लेंगे हम मसालों को। और ये हल्दी पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच गरम मसाला डाल दिया मैंने। ये सुनहरा कलर हो गया। अब हम टमाटर डाल देंगे बाद में। मसाले थोड़े सुनहरे होने पर टमाटर डालेंगे और फिर इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से आपके जो टमाटर हैं ये जल्दी से गल जाएंगे। तो धीमी आंच पर हम इसको भून लेंगे टमाटर को। और ये डालेंगे हम कस्तूरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा सब्जी का। तो धीमी आंच पर भूनेंगे हम इसको। ये देखिए तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें कटहल डाल देंगे। मैंने कटहल धो करके अच्छे से साफ़ कर लिया और काट लिया इसको बारीक बारीक। तो ये देखिए कटहल मैंने इसमें डाल दिया है। आप इसको रोटी से या पूरी से, पराठे से, किसी से भी खा सकते हैं। मैंने इसको 10-15 मिनट ढक दिया था। बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी लगती है कटहल की। और बीच बीच में चलाती रही मैं इसको। तो ये कटहल हमारा बन चुका है। अब हम इसमें हरे धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है। ये हमारा कटहल बन चुका है। तो देखिए हमारा कटहल बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एक घंटी आएगी उसको दबाना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।